नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। नवरात्र में आप साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, शक्ति की साधना कर रहे हैं, और ऐसे में आपको बहुत देर तक बैठ करके अपना अभ्यास, अपनी साधना, ध्यान, पूजा करनी होती है। बहुत देर बैठने से कभी कभी हमारे पैरों में दर्द हो जाता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग से होने वाले पैरों के दर्द को आप बहुत ही आसानी से गुड बाय कह सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी वो आसान सी क्रियाएं जिससे आप पैरों के दर्द को दूर करेंगे, प्रोलॉन्ग सिटिंग से होने वाले पैरों के दर्द को, ताकि आपकी साधना में कोई बाधक तत्व ना हो। नवरात्र आपके लिए बहुत ही शुभ हो अगर आप इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास करते हैं, तो आप लंबी देर तक बैठ करके अपनी साधना कर सकते हैं, स्पिरिचुअली एनलाइटन हो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो आसान सी क्रियाएँ। कमर के बल लेट जाएं, एड़ी पंजे मिले हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचना, पैरों को नीचे की ओर खींचना। अब हाथों को ऊपर की ओर ही खींचा रहेंगे, यानी अपर हाफ ऊपर की तरफ स्ट्रेच रहेगा, लेकिन पैरों को अपनी ओर खींचना और फिर से नीचे की ओर खींचना। ऐसा करते समय पैरों पर, पिंडलियों पर पड़ने वाले खिंचाव को अनुभव करना, आराम को अनुभव करना। 10 बार ऐसा करना, फिर हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्यम। दूसरी क्रिया के लिए भी इसी प्रकार से कमर के बल लेटे रहेंगे और कमर के बल लेटे लेटे ही पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर उठा लेना। अगर आपके कमर में दर्द है तो आप इसे सपोर्ट के साथ, यानी दीवार के या किसी चीज़ के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। यथा सामर्थ्य रुकना, पैरों को वापस ले आना। प्रयत्न शैथिल्यम 3 बार इसे रिपीट कर सकते हैं। क्रियाओं को आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार तक भी कर सकते हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति करने की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं चाहते कि आपके नवरात्र की साधना में कोई भी बाधक तत्व हो। अगर आपके पैरों में दर्द है, आप इन क्रियाओं का अभ्यास करें, पर साधना नियमित रूप से करें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.